नमस्कार, मैं हरीश वर्णवाल। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अरे वाह रवीश जी, आप प्रकट हो गए, तो बताई दीजिए क्या चल रहा है। आज नोटबंदी जयंती है। मुझे तो लगा कि आप कहेंगे कि फॉग चल रहा है, लेकिन आप तो नोटबंदी जयंती मना रहे हैं। अब जब आप नोटबंदी जयंती मना ही रहे हैं, तो ये भी बता दीजिए कि कोई बुरी याद है क्या अभी भी मन में? लाइन में खड़े लोग भी नोटबंदी को सही बताने लगे। अच्छा, तो लाइन में खड़े लोग मतलब परेशान नहीं हो रहे थे, यही आपके लिए सबसे बुरी चीज है। वैसे आप क्यों याद कर रहे हैं नोटबंदी जयंती को, ये भी तो बताइए। सरकार लगता है नोटबंदी भूल गई है। सरकार नोटबंदी भूल गई है, गजब बात करते हैं। ये जो मतलब आपकी परेशानी है ना, आप सही सही नहीं बता रहे। आप जलेबी मत बनाइए, सीधे बता दीजिए जो कहना है। 1,000 का नोट हटाकर 2,000 का नोट लाने से काले धन का संग्रह मुश्किल कैसे हो जाएगा? पॉइंट टू बी नोटेड दोस्तों, मोदी जी ने जो 2,000 रुपए के नोट छपवा दिए ना, वही इनकी सबसे बड़ी परेशानी है। लेकिन आज की स्थिति देखिए, जब इसी 2,000 रुपए के नोट को बंद करने का फैसला किया गया है, तो रवीश कुमार क्या कहते हैं? उस समय तो ये NDTV में काम करते थे, तो इस तरीके से भड़ास निकालते थे। अब देखिए इन्होंने ट्वीट करके क्या लिखा है। बस इतना बता दीजिए कि 2,000 के नोट में जो चिप लगी थी उसका क्या करना है? निकाल कर गोदी मीडिया के मालिक को दे देना है या अपने पास रख लेना है? बेहतर है घर में अनाज से लेकर तसला, बेलन, पर्दा, टेबल, कुर्सी, पुराने कपड़े जो भी हैं खुद ही वापस कराइए, वरना एक दिन घर आकर ले जाएंगे। ये मास्टर स्ट्रोक है या हीट स्ट्रोक है भाई? लोग देख रहे हैं ना, तो ये है इनकी अदा। खैर छोड़िए इनको, नेक्स्ट वीडियो लाइए। नमस्कार। नमस्कार। अरे केजरीवाल जी, आप तो रहने ही दीजिए, 2 मिनट आपसे बात करनी है। क्या बात करेंगे केजरीवाल जी? मेरी तो समझ के परे है, एकदम से टोन ही बदल गया। आप बात क्या करेंगे? इनकम टैक्स में कमिश्नर था, थोड़ी बहुत समझ मेरे को भी आती है, उतना अनपढ़ आदमी नहीं हूँ मैं। केजरीवाल जी, आप भी ना आजकल बड़े पढ़े लिखे अनपढ़ लोगों की बात कर रहे हैं, बड़ा फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं आपकी तरह पढ़ा लिखा होता तो थोड़ा बहुत तो फर्जीवाड़ा मैं भी कर लेता। लेकिन खैर आप अपनी बात ही बताइए। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि ये 500-500 1,000-1,000 के नोट खत्म करके 2,000-2,000 के नोट लाने से काला धन और भ्रष्टाचार कैसे खत्म हुआ। अच्छा, तो ये मुद्दा है कि मोदी जी ने 2,000 रुपए के नोट छपवा दिए, इसीलिए परेशानी हो रही है और इसीलिए आप मोदी जी को अनपढ़ बताते थे, यही बात है ना? अगर कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री हो तो कोई भी ऐरा गैरा आके कह देगा कि प्रधानमंत्री जी नोटबंदी कर दो, इससे भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। अब मजा देखिए दोस्तों, जिस 2,000 रुपए के नोट छपने पर ये मोदी जी को अनपढ़ बता रहे थे, अब जब वही नोट बंद करने का फैसला किया गया है, तो केजरीवाल जी क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? आप देखिए, आपको मैं ट्वीट दिखाता हूं। पहले बोले 2,000 का नोट लाने से भ्रष्टाचार बंद होगा, अब बोल रहे हैं कि 2,000 का नोट बंद करने से भ्रष्टाचार खत्म होगा। इसीलिए हम कहते हैं पीएम पढ़ा लिखा होना चाहिए। एक अनपढ़ पीएम को कोई कुछ भी बोल जाता है, उसे समझ नहीं आता है, भुगतना जनता को पड़ता है। मजा आया कि नहीं आपको? अब चलिए मैं तीसरे बंदे की ओर लेकर चलता हूँ। कांग्रेस बची हुई है तो कांग्रेस की ही बात करते हैं। कांग्रेस के एक तेज तर्रार प्रवक्ता हैं गौरव बल्लभ। इनका एक पुराना बयान है पिंक कलर के नोट पर, जरा सुनिए ना। एक पिंक कलर का 2,000 का नोट था, आपको सबको याद होगा। बिल्कुल याद है गौरव बल्लभ साहब, आगे बोलिए। पिछले 6 महीने में वो नोट किसी ने देखा? मैंने नहीं देखा और मुझे पक्का पता आपने भी नहीं देखा होगा, क्योंकि वो जो ब्लैक मनी रखने वाले जो लोग हैं, जिनको सरकार चाहती थी ब्लैक मनी रखे, उनके पास पहुंच गया वो। लेकिन मजा देखिए दोस्तों, आज जब वही 2,000 के नोट पिंक कलर के नोट को बंद करने का फैसला किया गया है, तो ये क्या लिख रहे हैं जनाब? इनका भी ट्वीट है, आजकल बड़ा सहूलियत है, जरा दिखाता हूं मैं आपको। देश के तमाम अर्थशास्त्री मिलकर भी आज तक 2,000 के नोट को चालू करने का एक फायदा नहीं ढूंढ पाए। हालांकि कर्नाटक चुनाव में हार का साइड इफेक्ट व चर्चा में बने रहने के लिए साहब को अब 2,000 का नोट बंद करना पड़ रहा है। क्या सरकार के पास चिप की कमी हो गई कि 2,000 का नोट
बंद हो रहा है। तो कुल मिलाकर दोस्त, मैंने आपको एक लेफ्ट लिबरल पत्रकार, एक आम आदमी पार्टी, एक नया चलन है तो केजरीवाल जी, और एक कांग्रेसी का बयान सुनाया। आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि अगर मोदी जी कुछ भी कर लें, इधर चलेंगे तो बोलेंगे कि इधर क्यों नहीं जाते, बैठ जाएंगे तो बोलेंगे खड़े क्यों नहीं हो जाते, खड़े रहेंगे तो बोलेंगे बैठ क्यों नहीं जाते। चूंकि आलोचना ही करना है उनको, बाकी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आज के वीडियो में मैं इन बातों की चर्चा करने के अलावा, पूरे मसले को डिकोड करने के अलावा, एक बहुत ही बारीक जानकारी दूंगा। किसी ने नहीं दिखाया, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि जिस 2000 नोट की बात आज हो रही है, प्रधानमंत्री मोदी पर एक बहुत बड़ा खुलासा 2019 में किया गया था, और वो भी उनके एक बहुत ही करीबी व्यक्ति ने किया, एक बहुत बड़े अधिकारी ने किया था, जिसमें ये बात सामने आ गई थी कि 2000 रुपये का नोट तो बंद होने ही वाला है। वो भी आज मैं इस वीडियो में दिखाने की कोशिश करूंगा। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। सीधे खबर पर आता हूं, और खबर ये है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI ने 2000 रुपये के नोट को वापस लेने का ऐलान कर दिया है। हालांकि ये जो नोट है ना, घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ये बिल्कुल वैध रहेगी, ये जो रुपया है ये वैध बना रहेगा। और भारतीय रिजर्व बैंक ने जब ये ऐलान किया, जब ये नोटिफिकेशन आया, तो सभी बैंकों को मना कर दिया कि वो तत्काल प्रभाव से 2000 रुपये के नोट जारी करना बंद कर दें। और RBI ने ये भी कहा है कि अब जिनके पास ये नोट बचा हुआ है, वो सर्कुलेशन में रहेंगे, वो वैध है। ऐसा नहीं है कि वो लीगल टेंडर नहीं है, जैसा पिछली बार नोटबंदी में हुआ था, ऐसा नहीं है, वो चलन में रहेंगे। लेकिन अब ये आप बैंकों में जाकर वापस कर दें, क्योंकि ये ख़त्म होना है। और इसके लिए बकायदा टाइम दिया गया, बहुत लंबा चौड़ा टाइम दिया गया। पहले कहते थे ना कि मोदी जी ने टाइम ही नहीं दिया, एकदम से ख़त्म कर दिया, इस बार बहुत टाइम दिया है, 23 मई से 30 सितंबर तक। जिनके पास भी 2000 रुपये के नोट्स हैं, वो जाकर जमा करें, जमा हो जाएंगे। और RBI ने एक और शर्त रखी है कि आप 23 मई से जो ये नोट जमा करेंगे ना, तो एक बार में सिर्फ 20,000 रुपये तक के 2000 रुपये के नोट बदल सकते हैं, जमा कर सकते हैं, यानी सिर्फ 10 नोट। अगर वो 2000 रुपये के नोट हैं तो सिर्फ 10 नोट। लेकिन जानते हैं, इस फैसले से आप चाहे मीडिया में क्या देख रहे हैं, आपको भी समझ में आ जाएगा, आम आदमी को घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एक बार बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए, इस नोट को लेकर घबराने की इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि पिछले 2-3 साल से मैंने जो रिपोर्ट देखी, 2000 रुपये का नोट तो काला धन वालों ने छिपा के रख लिया है। जो मोटी चमड़ी वाले लोग हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, नेता हैं, भ्रष्ट अधिकारी हैं, इन लोगों ने तो दबा के रखा हुआ है, वो नोट ही गायब हो गए हैं। और इतना ही नहीं, 2018 के बाद से तो सरकार ने 2000 रुपये के नोट भी छापना बंद कर दिए हैं, नोट छप ही नहीं रहा है। ये भी आप समझ लीजिए, पहले अपने घर में देखिएगा कि आपके पास कितने 2000 के नोट हैं, फिर आप सोचिएगा। इतना ही नहीं, आपको एक बड़ा ही दिलचस्प चीज़ दिखाता हूँ। दिसंबर 2022 में भाजपा के एक सांसद है निशिकांत दुबे, संसद के अंदर चर्चा हो रही थी, तो कांग्रेस को उसी समय उन्होंने मजे में एक बताया था, चेतावनी दी थी कि ये जो आप अपनी पोटली में छिपा के रखे हैं ना 2000 रुपये के नोट, वो निकाल लाइए, क्योंकि मोदी जी तो कभी भी बंद कर देंगे। वो कोई चर्चा हो रही होगी, ये बयान भी निकला है, आपको ये दिलचस्प बयान दिखाता हूँ, आप देखिए। 2000 का नोट जो है रीमोनेटाइज हो रहा है, और 2000 नोट जो कांग्रेस ने बचा के रखा है वो निकाल के ले आइए, जनता के बीच में ले आइए, नहीं तो एक दिन यदि घोषणा कर देंगे कि वो 2000 का नोट इतने तारीख से खत्म हो जाएगा तो आप लोग परेशानी में पड़ जाएंगे। वैसे एक तथ्य आपके लिए जानना जरूरी है दोस्तों, कि 2000 रुपये के नोट वैसे ही मार्केट में आधे रह गए, बचे ही नहीं। अब क्यों नहीं बचे रह गए, वो भी मैं आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाता हूँ। ये आप रिपोर्ट देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक जानकारी दी है कि 2000 के जो 89 फीसदी नोट हैं, वो मार्च 2017 से पहले जारी हुए थे, 2017 से पहले। मार्च 2018 के दौरान जो कुल
6,73,000 करोड़ रुपए के 2000 रुपए के नोट मार्केट में थे, और ये जो मैं आंकड़ा दे रहा हूँ ना, ये पीक था। मतलब सबसे अधिक 2000 रुपए के नोट मार्च 2018 के दौरान 6,73,000 करोड़ रुपए थे, जबकि मार्च 2023 के आंकड़े को आप देख लीजिए, सिर्फ 3,62,000 करोड़ रुपए के नोट बच गए हैं। मतलब आधे रह गए हैं, सिर्फ करीब आधे नोट ही मार्केट में रह गए, बाकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पहले ही उठा लिया है, वो बचा ही नहीं है। एक तो छापना बंद कर दिया, ऊपर से नोट को भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने धीरे धीरे अपने पास रख लिया, यानी मार्केट में बचा नहीं। मार्केट में कौन सा नोट बचा जो लोगों ने दबा लिए, और अधिकतर दबाने वाले, देखिए कुछ अच्छे लोग भी हो सकते हैं, लेकिन अधिकतर दबाने वाले जो 50 करोड़ 100 करोड़ रुपए दबाए होंगे, वो निश्चित रूप से मान कर चलिए कि वो भ्रष्ट होंगे, क्योंकि अब जब वो जमा करेंगे तो उनको इसका हिसाब देना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, अब जब ये नोट, आज तो मैं ये मानता हूँ कि अगर पूरी नोटबंदी भी हो जाती ना तो भी लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि डिजिटल रूप से ये देश पूरी दुनिया में एक रिकॉर्ड बना रहा है। आज हर कोई, आज अगर 5 रुपये का भी आप सब्जी लेने जाएं, कुछ भी लेने जाएं, तो आप डिजिटली उन्हें पैसा दे सकते हैं। तो ये तो भारत की ताकत है, तो इसलिए भी लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि कैश नहीं रहा, कैश ख़त्म हो गया। लेकिन अब मैं आपको असली खबर पर लेकर आता हूँ, जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। असली खबर ये है कि कांग्रेस या बाकी दलों ने क्या हमला बोला। उसने ये कहा है कि पीएम ने बिना सोचे समझे बचकाने फैसले कर दिए। लोग बोलते पहले मोदी जी फैसला लेते हैं फिर सोचते हैं, मतलब किस तरीके से बदनाम करते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन अब मैं आपको एक बहुत बड़ी खबर दिखाता हूँ, सच्चाई क्या है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। 17 दिसंबर 2020 को टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल छपा था, और इसे जानते किसने लिखा है? प्रधानमंत्री मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे नृपेंद्र मिश्रा, जो 2014 से 2019 तक पीएम मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। बहुत बड़ा पोस्ट है, बल्कि इससे बड़ा पोस्ट क्या होगा, सबसे बड़ा पोस्ट उन्होंने लिखा। उन्होंने क्या लिखा है ये मैं आपको सुनाता हूँ, आप आराम से देखिए और सुनिए, तब आपको समझ में आएगा कि प्रधानमंत्री मोदी की सोच क्या थी। आप ये देखिए, देयर हैज़ बीन इंस्टांसेस, इसके मैं हिंदी में पढ़ता हूँ, ऐसे उदाहरण सामने आए हैं जहाँ उन्होंने सलाह या राय का पूरी तरह से समर्थन नहीं किया। उन्होंने का मतलब प्रधानमंत्री मोदी, प्रधानमंत्री मोदी ने इस राय का समर्थन नहीं किया, लेकिन संस्थागत ढांचे के सम्मान की खातिर उन्होंने आम सहमति को स्वीकार किया। मतलब मोदी जी को भले ही पसंद ना आया हो, लेकिन उन्होंने स्वीकार कर लिया। 2016 में नोटबंदी की तैयारी के दौरान वह 2000 रुपये के नए नोट जारी करने के विचार से पूरी तरह आश्वस्त नहीं थे, लेकिन उन लोगों के सुझाव को उन्होंने स्वीकार किया जिन्हें लगता था कि ज़्यादा मूल्य वाले नोटों की तेजी से छपाई से नकदी की उपलब्धता बढ़ेगी। उन्होंने निर्णय की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली और अपने सलाहकारों को कभी दोष नहीं दिया। यह स्पष्ट है कि अब वह इस मूल्य के नोट छापने को हतोत्साहित करके इसमें सुधार कर रहे हैं। तो देख रहे हैं कितनी बड़ी खबर है दोस्तों। मतलब मोदी जी पहले तो 2000 रुपये के नोट छापने को तैयार नहीं थे, लेकिन जब लोगों ने कहा, विशेषज्ञों ने कहा कि कैश की कमी है, छापना चाहिए, तो उन्होंने अपनी बात को पीछे करके देश की भलाई के लिए छापने का की इजाज़त दे दी। और जब छप गया तो इसकी जिम्मेदारी अधिकारियों पर नहीं थोपी, बल्कि खुद पर ले ली। ये सबसे बड़ी ताकत। अब इस सवाल का जवाब जानना ज़रूरी है कि आखिर 2000 रुपये के नोट बंद करने से क्या फ़ायदा होगा। आप एक एक करके सुनिए और रिपोर्ट देखिए। काले धन पर लगाम लगेगी, ये समझ लीजिए कि अब जिन भ्रष्टाचारियों ने, जो ये नौकरशाह नेताओं का गठजोड़ है, भ्रष्ट लोगों की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने 2000 रुपये के नोट दबा के रखे, वे सब बर्बाद होने वाले हैं। अब जब करोड़ों का बंडल दबा होगा तो कहाँ से पैसे जमा करेंगे, और कितना जमा करेंगे, कितनी बार 20,000 रुपये के लिए आप लाइन में लगेंगे, दूसरों को लगा करके भी रखेंगे। अब तो देखिए हर चीज़ रिकॉर्ड पर है, यानी वो फंसने वाले हैं। और अगर मान लीजिए उन्होंने जमा भी कर दिया,
तो उन्हें करोड़ों रुपए का हिसाब भी देना पड़ेगा। यानी काले धन वालों के लिए बहुत बुरी शामत आने वाली है। चुनाव में जिस प्रकार से काले धन के दुरुपयोग का आरोप लगता रहा है लगातार, अब मानकर चलिए कि उसका भी समाधान होने वाला है। और ये जो फैसला किया गया है ना, इसमें याद रखिए सरकार की कमाई में इजाफा होगा। नोटबंदी के बाद कितनी कमाई बढ़ी, और आज भी देखिए जीएसटी कलेक्शन में रोज नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। इसका मतलब क्या है समझते हैं? इसका मतलब ये नहीं है कि अडानी अंबानी का पेट बढ़ रहा है, ये सरकार की कमाई बढ़ रही है। इसका मतलब ये है कि लोक कल्याणकारी कार्यों के लिए सरकार के पास और अधिक पैसा होगा। नोटबंदी से नक्सलियों और आतंकवादियों को कितना फर्क पड़ा दोस्तों, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात, आज जो पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति खराब है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह, बल्कि सबसे बड़ी वजह हमारे देश में जो नोटबंदी थी उसकी वजह से हुआ था। क्यों जानते हैं? क्योंकि भारत में नकली नोट का जो कारोबार है उसका 40% हिस्सा सिर्फ एक आदमी, पाकिस्तान में बैठा एक आदमी चलाता था। उसका नाम है जावेद खनानी। और ये आप जानते हैं कि नहीं कि जब भारत में नोटबंदी हुई ना, तो उसे खुदकुशी करनी पड़ी थी, क्योंकि नोटबंदी के बाद तो उसका कारोबार ही ठप हो गया। अब जब 2000 रुपये का नोट पाबंदी लगाई गई, तो आप मानकर चलिए कि जो देश खुद ही दिवालिया होने की कगार पर है, अब जब 2000 रुपये के नोट बंद किए गए हैं, तो ये उन पर आखिरी प्रहार है। क्योंकि पाकिस्तान पहले क्या करता था, अपने आप को बचाने के लिए भारत के नकली नोट छाप कर चला देता था, और अपनी जो गाड़ी है उसकी गाड़ी है वो चलने लगती थी। अब वो तो संभव ही नहीं रहा। साथियों, नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी के जरिए या 2000 रुपये के नोट को बंद करके एक तीर से कई निशाने साध लिए हैं। और ये काम वही व्यक्ति कर सकता है जिसमें देश हित में कड़े और बड़े फैसले लेने का साहस हो। अब ये बात क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि याद रखिए कि इंदिरा गांधी के शासनकाल में वांछू कमेटी ने कहा था, एक कमेटी बनी थी, उसने ये बकायदा रिपोर्ट दी थी कि 1946 में भारत में जो डीमोनेटाइजेशन हुआ उसमें सफलता नहीं मिली, लेकिन अगर 1971 में करेंगे तो उसमें बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। अब ऐसा करने की हिम्मत तो इंदिरा गांधी में नहीं हुई, लेकिन ऐसा करने की हिम्मत दिखाई प्रधानमंत्री मोदी ने, और वो एक मास्टर स्ट्रोक की तरह था। अब जब 2000 रुपये के नोट को वापस लेने का फैसला किया गया है, तो ये बात याद रखिए कि प्रधानमंत्री मोदी बिना युद्ध के मैदान में गए, कई शत्रुओं को घुटने के बल बैठने के लिए मजबूर कर भी दिया और आगे भी करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।